हेलो प्यारे बच्चों, रिएक्शन मैकेनिज्म का थर्ड वीडियो है और आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोफाइल्स। इससे पहले हमने न्यूक्लियोफाइल पढ़े थे और इंट्रोडक्शन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा था। तो जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, जब रिएक्शन होता है तो जो रिएक्शन में तीन पार्ट थे, चार पार्ट थे एक्चुअली। एक था सबस्ट्रेट, दूसरा था रिएजेंट, तीसरा था सॉल्वेंट या मीडियम और फोर्थ था प्रोडक्ट। तो जो हम सब्सट्रेट में हमने पढ़ लिया था कि किस तरह का सब्सट्रेट हो सकता है। अब रिएजेंट की बात करें तो रिएजेंट में दो पढ़े थे हमने, एक था न्यूक्लियोफाइल और दूसरा था इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को न्यूक्लियोफाइल करते हैं जो न्यूक्लियस मींस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल। तो स्टार्ट करते हैं, मेरा नाम है सोनू शुक्ला और हमारा प्यारा चैनल है हिस्ट्री ऑफ साइंस। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है बच्चों, वो उसके नाम से, जैसे न्यूक्लियोफाइल के उसके नाम से उसका डिस्क्रिप्शन हो रहा था, ऐसे इलेक्ट्रोफाइल की अगर देखें तो इलेक्ट्रोफाइल दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है फाइल्स। इलेक्ट्रो का सीधे मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन से, फाइल्स का मतलब हुआ लवर या अट्रैक्ट। अट्रैक्ट जो ओवरऑल निकल के आया कि वो मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो उसको इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हैं। मींस ये हुआ जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं वो क्या हैं, वो इलेक्ट्रॉन लवर है। इलेक्ट्रॉन लवर है इलेक्ट्रोफाइल जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन लवर का मतलब हुआ कि उसके पास खुद तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तभी तो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। मींस उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है, मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो अट्रैक्ट किसकी तरफ होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज अट्रैक्ट टू इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। रिच सेंटर मींस सबस्ट्रेट, ये हम रिएजेंट की बात कर रहे हैं। सबस्ट्रेट में जो सेंटर इलेक्ट्रॉन रिच वाला होगा वहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे। एग्जांपल ले लेंगे हम, अगर हम इस तरह का कोई सेंटर माइटी है सपोज करो, या कार्बन ही ले लेते हैं, तो इसमें क्या है कि यहां अगर हम देखें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, तो यहां क्या है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नेगेटिविटी है। जब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के नाते ये क्या करेगा, ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को पार्शियली अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। इस शिफ्टिंग के कारण से ये जो ऑक्सीजन है कार्बन के रेस्पेक्ट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके तरफ रहेगी। ये पूरी इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो मैक्सिमम ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट रहेंगे। ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होने के नाते इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहां अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो इस कंपाउंड को अगर देखें, इस सबस्ट्रेट को अगर देखें, तो इस सबस्ट्रेट पे रिएजेंट का इलेक्ट्रोफाइल इसके इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे अटैक करेगा, मींस इस मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, दूसरा क्या हुआ, दूसरा हुआ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। तो अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अटैक करेगा मीन्स इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो यहां पे क्या अटैक करेगा, यहां पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, यहां पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल्स। तो सबस्ट्रेट, इसे हमने पहले सबसे पहले वीडियो में समझाया था कि सबस्ट्रेट कितने तरह के हो सकते हैं। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप वाले सबस्ट्रेट होंगे, उन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप वाले सबस्ट्रेट पे जो रिएजेंट अटैक करने वाला है इलेक्ट्रोफाइल है, तो वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल की जो प्रॉपर्टी निकल के आएगी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा और वहां अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होगा। अब हम आते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल जो है कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल को ई प्लस से देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रोफाइल पे प्लस चार्ज ही होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है एक
रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि ई प्लस करके हम दिखा देते हैं, जैसे हम न्यूक्लियोफाइल को दिखाते थे एन यू माइनस, तो इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब कभी कंफ्यूज मत होना कि इलेक्ट्रोफाइल हमेशा पॉजिटिव चार्ज होंगे, वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स में। अच्छा, पहला जो है, जो इसके पहला टाइप्स है वो होगा पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, मींस वो सारे स्पीसीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रोफाइल में होने चाहिए। जैसे एग्जांपल हम ले लें एच प्लस, Cl प्लस, Vr प्लस, I प्लस, CH3 प्लस, ऐसे बहुत सारे। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, इसको बोलते हैं क्लोरोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन, आयोडोनियम आयन और कार्बोनियम आयन। ठीक है, तो इनके बारे में हमने कार्बोनियम आयन बहुत पहले पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन चलेगी कैसे बोलिए। अगर हम देखें तो कार्बन 3 हाइड्रोजन से बना हुआ है, अगर इसके बैलेंस सेल में देखें तो 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे, मींस इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन थे किसी के साथ शेयरिंग में वो चले गए, मींस अब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ गई। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी यहां दिखती है इन द फॉर्म ऑफ प्लस चार्ज। तो जिनके प्लस प्लस चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइड हुए। अगर हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, अगर 17 है तो क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। ठीक है, अगर ये क्लोरीन था, अगर क्लोरीन प्लस हुआ मींस क्लोरीन पे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या हो गया 16 हो गया। तो क्या हो गया, यहां से अगला कॉन्फ़िगरेशन में होगा 1s2, 2s2, 2p6, ये सेल पूरा हो गया। अब आउटर सेल की बात करें तो 3s2 और 3p4। अगर इसको ऑक्टेट पूरा करना, इसको मतलब इससे पूरा करना, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन थी। तो ये जो क्लोरीन आयन हुआ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के नाते इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इन द फॉर्म ऑफ प्लस चार्ज हो रहा है। तो ये एक तरह की स्पीसीज हुआ इलेक्ट्रोफाइल का कि पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। क्वेश्चन यह है, क्या सारे पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल होंगे, बहुत मोस्ट ऑफ द केस होंगे, बट जरूरी नहीं है कि सारे। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर हम देखें, एग्जांपल देखें तो जैसे एग्जांपल ले हम NH4+ H3O+, क्या ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, नहीं ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। अमोनियम की अगर हम देखें, अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल होने का मतलब ये हुआ कि वो दूसरे जिसके अटैक करने जा रहा है उसके साथ बॉन्ड, हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड क्या होगा, उससे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, उससे इलेक्ट्रॉन लेना है, इसको इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसके पास क्या जगह है। देखें अगर हम एग्जांपल तो नाइट्रोजन कितना है एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन 7 तो होगा 1s2, 2s2 और 2p3। अगर हम इसके पाउडर सेल की बात करें 2s22 की, तो यहां देखो बच्चों, ऐसे था, इसने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग किया है, 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग किया है तो 3 हाइड्रोजन तो इसके साथ शेयरिंग कर लिया एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ, लेकिन ये चौथा हाइड्रोजन है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ बना हुआ है। मींस कार्बन, अगर हम अमोनियम का बनाएंगे स्ट्रक्चर तो इस तरह से बनाते हैं, तीसरा जो बॉन्ड दिखाते हैं इस तरह से दिखाते हैं कि ये जो बॉन्ड है ये शेयरिंग का नहीं है, ये टोटल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन द्वारा डोनेट किए गए हैं। तो इस तरह के बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। तो अगर हम देखें बच्चे अमोनियम की बात करें NH4+, तो यहां अगर ये बॉन्डिंग कर लिया, ये सेल पूरे हो गए, तो अगला जो इलेक्ट्रोफाइल अगर हम इसको माने, तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना हुआ तो कहां करेगा, इसके पास तो कोई जगह नहीं है, कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है जहां पे वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ले सके, मींस इसलिए इसके पास जगह ना होने नाते क्या है इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ऐसे अगर हम ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन का 8, तो यहां पे क्या होगा
लास्ट हम सेल की बात करें तो 2s2 और 2p पे आ जाएंगे, 2, 4, 6, 4, ठीक है। तो चार में से क्या है, अगर देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन बने हुए, इनमें 1, 2, 3 और 4 दो खाली है जिनके साथ हाइड्रोजन ने क्या किया, बॉन्डिंग कर लिया। चौथा हाइड्रोजन जो आया, तीसरा हाइड्रोजन जो आया H3O है, तो तीसरा हाइड्रोजन क्या हुआ, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। मींस अगर ये भी अगर हम इलेक्ट्रोफाइल प्लस के नाते इलेक्ट्रोफाइल बोले तो अगला इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करेगा उसके पास जगह नहीं है। तो ये हाइड्रोनियम अमोनियम और हाइड्रोनियम हाइड्रोजनियम आयन ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। लेकिन अभी इसमें एक और पॉइंट है, अगर इसको डिसोसिएट होने का मौका मिले, मींस अगर इसको एक्वस में NH4+ एक्वस लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए, एक्वस, मींस इसे डिसोसिएशन अलाउड हो, तो क्या होगा, डिसोसिएशन में क्या करेगा बच्चों कि ये NH3 बदल जाएगा, प्लस H+ निकाल देगा। अब ये H+ एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा, मींस ये एज ए कैरियर है, इलेक्ट्रोफाइल का कैरियर है। अगर इसको डिसोसिएशन मिल गया, अगर इसको एक्वस मीडियम मिल गया तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। सेम अगर हम H3O की बात करें, ये भी अगर डिसोसिएट अलाउड हो जाएगा तो ये H2O+ H+ में होगा, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल डिलीवर करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल डोनेट करेगा, मींस ये कैरियर हो गया। अमोनियम या H3O ये क्या है, ये खुद इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल डिलीवर कर सकते हैं अगर इनको मौका मिले कि ये डिसोसिएट हो जाए, मींस अगर इनको एक्वस मीडियम मिला तो ये डिसोसिएट होकर के इलेक्ट्रोफाइल देंगे। तो पहला जो इलेक्ट्रोफाइल हमने पढ़ा वो है प्लस चार्ज वाले, मींस पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, अब दूसरा पॉसिबल है वो कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्पीसीज, इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्पीसीज, जैसे एग्जांपल लें हम BCl3, BF3, BCl3, BBr3, BI3 और है BeCl2, AlCl3। अगर इन सबको देखें तो ये देखने में तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं लग रहे, इनमें इन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं, जो हमने पहला बोला कि E+ पे देखने का मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही हो। पॉजिटिव चार्ज इसको रिप्रेजेंट करने, इलेक्ट्रोफाइल रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज, यहां किसी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, लेकिन इनमें क्या है, इनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। जैसे अगर हम बात करें BeCl3, तो BeCl3 में क्या है, देखो इसके आउटर सेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन कमी है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, 4 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। यहां देखें AlCl3 की तो यहां 2, 4, 6 मींस इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। ये 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अगर BF3 की बात करें तो B यहां भी 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो ये सारे जो ग्रुप्स हैं इस तरह के, SnCl2 है, ZnCl2 है, ये सारे जो हैं इनके आउटर मोस्ट में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होने के नाते ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। तो अगर हम इनमें देखें, जो सबसे इंटरेस्टिंग इनमें क्वेश्चन बनता है कि अगर BF3, BCl3, BBr2 और BI2 में कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो अगर हम, ये हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया है बट आज मैं रिपीट कर दे रहा हूं, अगर हम तीनों की बात करें जाएगा,
तो ये तीनों है। अगर हमको एक कोई पूछता है कि BF3, BCl3, BBr3 और BI3 में कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल होगा, कौन सा कम इलेक्ट्रोफाइल होगा, ऐसे क्वेश्चन का बहुत बार आए हुए हैं। तो अगर इनमें देखें, एक इनमें एक अलग कॉन्सेप्ट आता है कि जितने हैलोजन्स होते हैं वो अगर उनको चांस मिलता है, अगर उनको चांस मिलता है तो बैक बॉन्डिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। बैक बॉन्डिंग का मतलब ये हो बच्चों कि जो ये BF3 का है, तो चूंकि फ्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होता है, इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए होते हैं, तो एक तो शेयरिंग कर लिया, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट सेल में होते हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, धीरे धीरे जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर होता है उसकी तरफ क्या करते हैं, शेयरिंग करने लगते हैं। और शेयरिंग होने के नाते ऐसे शेयरिंग ये भी करेगा, ऐसे शेयरिंग ये भी करेगा, ऐसे शेयरिंग ये भी करेगा, इस तरह के शेयरिंग को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग, इस बैक बॉन्डिंग होने के नाते इसमें थोड़ा बहुत पाई कैरेक्टर आ जाता है, पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, और ये कंप्लीट शेयरिंग नहीं होती है, पार्शियल शेयरिंग होती है। कैसे होती है, पार्शियल शेयरिंग, पार्शियल शेयरिंग होता है, पार्शियल शेयरिंग। इस पार्शियल शेयरिंग होने के नाते, इलेक्ट्रॉन के पार्शियल शेयरिंग होने के नाते इसके अंदर पाई कैरेक्टर होने लगता है। ऐसे इसमें भी होगा, ऐसे ब्रोमीन भी करेगा, ऐसे आयोडीन भी करेगा बैक बॉन्डिंग। लेकिन अब यह है कि अगर जिसमें बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगा उसमें क्या होगा, वो जो डिफिशियंसी है इस ब्रोमीन की, सॉरी बोरान की, वो क्या होगा, कम हो जाएगा। कम होने के नाते उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के नाते इलेक्ट्रोफाइल बिहेवियर कम हो जाएगा। अगर आप देखें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन में, तो फ्लोरीन क्या, इसकी साइज सबसे छोटी होती है। साइज छोटी होने के नाते ये अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड को संभाल नहीं पाता, और धीरे जल्दी से ये अपनी इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की कोशिश करता है अगर उसको चांस मिलता है। हर जगह तो इसको चांस नहीं मिलेगा, अगर जिस एटम से कनेक्टेड उस पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है तो क्या करेगा, झट से अपने इलेक्ट्रॉन को उस पर शिफ्ट करने की कोशिश करेगा खुद को हल्का करने के लिए, और इसके कारण से इसकी बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होती है। फ्लोरीन की बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। अच्छा, जब जिसकी बैक बॉन्डिंग ज्यादा है, तो बैक बॉन्डिंग ज्यादा होने के नाते क्या हुआ, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कम हो गई। क्यों कम हो गई, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी इसके पास, वो इधर से इस इधर से तीनों तरफ से मिलके ऑलमोस्ट खत्म हो गई। ऑलमोस्ट खत्म होने तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल तरह बिहेवियर ये कम करेगा। तो अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो सबसे ज्यादा कम बैक बॉन्डिंग देता है आयोडीन, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल ये हुआ, फिर ये हुआ, और फिर ये हुआ। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आपको तुरंत बैक बॉन्डिंग का कांसेप्ट याद रखना है कि सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग फ्लोरीन देता है, और उसके बाद आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफाइल आयोडीन है, और सबसे स्टेबल है वो ब्रोमीन है, फ्लोरीन है। तो ये था कि ऐसे इलेक्ट्रोफाइल्स जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है लेकिन वो इलेक्ट्रोफाइल है पॉजिटिव चार्ज ना होने के बाद भी। अच्छा, एक थर्ड कतरा का है इलेक्ट्रोफाइल, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग मतलब थोड़ा समझना पड़ेगा उसको। अगर हम एग्जांपल दें कि हम देखें कि पोलर, पोलर कंपाउंड, पोलर कंपाउंड आल्सो, कंपाउंड आल्सो बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव करते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें, ये देखो, अगर है कार्बन ऑक्सीजन के बीच की बॉन्डिंग, तो कार्बन क्या है, हमने शुरू में समझाया था, यहां पे दोनों चीजें हैं। अगर यहां पे इस बॉन्डिंग को देखें तो यहां इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के नाते ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इधर शिफ्ट होने के नाते ये सेंटर कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो ये कैसा बिहेव करेगा, ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। लेकिन ये सेंटर कैसा बिहेव करेगा, ये सेंटर एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि न्यूक्लियोफाइल पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और इलेक्ट्रोफाइल पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ये सबस्ट्रेट है,
लेकिन सबस्ट्रेट भी इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। जो थर्ड इस तरह का हम देखें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन में देखें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रो निगेटिविटी ज्यादा होने के नाते इनके जो बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट होंगे, तो इधर शिफ्ट होने के नाते ये जो पोर्शन है ये कैसा बिहेव हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और ये पोर्शन जहां से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होने के नाते ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो जो ऐसे जो पोलर ग्रुप फंक्शनल ग्रुप वाले होते हैं वो क्या है, वो इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल दोनों तरह की तरह बिहेव करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन कंडीशन क्या है, कभी कभी सब्सट्रेट दूसरा सब्सट्रेट ही रिएजेंट की तरह बिहेव करने लगता है, तो वो इनमें दोनों प्रॉपर्टी होती है कि एक तरफ अगर न्यूक्लियोफाइल है तो दूसरी तरफ इलेक्ट्रोफाइल है। अच्छा, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि जो लुईस वेस हैं, जो लुईस वेस हैं क्या वो इलेक्ट्रोफाइल हैं, सॉरी जो लुईस एसिड है, जो लुईस एसिड है हमने जब न्यूक्लियोफाइल पढ़ा था तो लुईस बेस का कंपैरिजन न्यूक्लियोफाइल से किया था। यहां आज हम कंपैरिजन करेंगे कि लुईस एसिड वर्सेस इलेक्ट्रोफाइल, वर्सेस इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, लुईस एसिड क्या होते हैं अगर हम देखें तो लुईस एसिड का ही कंसेप्ट हुआ कि दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स, दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स। लेकिन हमने इलेक्ट्रोफाइल के बारे में क्या पढ़ा था, दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स नॉट इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अगर एग्जांपल देखें कि CH3 फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है और एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट था, अगर हमने सबकी पढ़ी, जैसे हमने पढ़ा CCl प्लस, Br प्लस, CH3 प्लस, हमने पढ़ा AlCl3, BF3, BeCl2, यहां सब तो इलेक्ट्रॉन पेयर की रिक्वायरमेंट थी, इलेक्ट्रॉन पेयर्स की डिफिशियंसी मींस दो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थी या चार इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थी, यहां पे भी दो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थी। लेकिन अगर हम फ्री रेडिकल की बात करें तो फ्री रेडिकल में कितने इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, केवल एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। तो जो मेन डिफरेंस इलेक्ट्रोफाइल और लुईस एसिड में है वो ये है कि लुईस एसिड को वो सारे मॉइटी जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर एक्सेप्ट करते हैं वो लुईस एसिड होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं चाहे इलेक्ट्रॉन पेयर या सिंगल इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। तो जो कंक्लूजन निकला कि ऑल लुईस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल्स, ऑल लुईस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल्स, बट ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स आर नॉट लुईस एसिड। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करनी चाहिए, ऑल लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल बट आर इलेक्ट्रोफाइल्स आर नॉट लुईस एसिड। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो इस तरह से आगे और चैप्टर्स आएंगे जिनको हम आपस में डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को पॉइंट टू पॉइंट नोट करते रहिए, चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको बाकायदे नोट करके रखें और आगे पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू।